मणिपुर की घटना में जो आग मणिपुर में लगी थी वो सारी देश में फैल गई, पूरे देश में फैलने के साथ अब आक्रोश की आग राजनांदगांव तक आ गई है। हालांकि इन महिलाओं ने जो आक्रोश दिखाया है वो देरी से दिखाया है, क्यों देरी हुई है ये खुद बताएंगे, क्योंकि घटना को हुए पूरे देश में उबाल हो गया है ना, 3 महीने ज्यादा हो गए, बाद में जब नेट चल रहा था वो घटना सामने आई, लेकिन इनको आज जुलूस निकालने में 15-20 दिन लग गए, चलो आए तो कम से कम। अब ये घटना के प्रतिरोध में शहर से होते हुए रैली कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची है, अब ये ज्ञापन देंगे, ज्ञापन भी देंगे उसके खिलाफ जो ऐसे कृत्य को किए हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, पहले भी मुकर होते आइए जी, बताएं आपका नाम क्या है? प्रतिमा वासी। सामने ऐसा कर दीजिए बेटा, बोलिए क्या करने घूमे आप लोग? रैली निकाले सब जो क्या बोलते हैं तो मणिपुर में जो हादसा हुआ है उसके इसमें। इतनी जल्दी कैसे निकाल दी? वीडियो ही सामने जब आया है तो लेट से आया है, लेट में तो खबर 15-20 दिन से घूम रही है, 15-20 दिन से घूम रही है, तो हमारे तक जो पहुंचा तो लेट से पहुंचा, जब हमको पता चला है तो 2-4 दिन हुआ है, तो हम लोगों ने सारी महिलाएं जो हमारे पत्रकला समिति के थ्रू हमने सबने डिसाइड किया मीटिंग करके, और हम लोगों ने रैली निकाला। मांग क्या करना चाहते? मांग क्या है आप लोगों को सारी पता है? हमको पता होता तो हम क्यों कुछ नहीं आते? आपके नारे लगा के घूम रहे हो आप बताइए ना, आप अपनी रैली में क्या कहना चाहते हैं? पूछना चाह रहा हूँ मैं, जिन्होंने ऐसा क्राइम किया है उनको फांसी दे। चलिए और कोई आपको बताएंगे? गुड नेम प्लीज। मैं गीता बागड़े। अभी जो मणिपुर में दो जातियों के बीच में जो हिंसा चल रही है, उस हिंसा की वजह से यहाँ वहाँ पर वाद विवाद हो रहा है, वो सरकार ने तुरंत बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर कश्मीर में 370 जो हटा है उसके बाद क्या वहाँ पर मणिपुर में सरकार शांति लागू नहीं कर सकती क्या? इसलिए हमें यहाँ जो 19 तारीख को जो वीडियो के मार्फत खबर पहुंची है उसके तहत यहाँ के लोगों ने सारे महिलाओं को इकट्ठा किया, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ है, इसलिए आज हम सारे महिलाएं यहाँ की एकत्रित होकर यहाँ पर उसके खिलाफ मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है आज भी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम कलेक्टर में आवेदन देने वाले हैं। चलिए और आपने कोई बोलना चाहेगा? जी बोलिए, क्या नाम है, किस पद में भी आप? मैं वंदना मेश्राम बौद्ध कल्याण समिति महिला विंग की अध्यक्षा हूँ, और अभी हमको विगत एक सप्ताह से इसकी जानकारी हुई कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ में बर्बरता हुई है, और जो सीन देखने के बाद में ऐसा लगा कि सारा देश तो उबल रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जब हमको पता चला तो हमारे मन में भी ऐसा लगा, पता चला ये हमको एक सप्ताह पहले वीडियो वायरल हुआ तभी इसकी जानकारी मिली, क्योंकि मीडिया मोदी की गोदी मीडिया बिकी हुई है, और जो न्यूज में इसकी सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, ये तो यूट्यूब के माध्यम से हमको हल्का फुल्का इसकी जानकारी हुई, और जैसी जानकारी हुई तो हमने सारी महिलाओं को बताया कि ये जो केंद्र की सरकार है हमारी महिलाओं के साथ में इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है, मणिपुर सारा जल रहा है, और हमारी मोदी सरकार देश के सामने जवाब भी नहीं दे रही, और मणिपुर के सामने एक शब्द भी नहीं बोल रही है, और बोल रही है मोदी सरकार कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये क्या मोदी सरकार ऐसी बेटी बताएगी जो महिलाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार होने के बाद में भी वहाँ के मंत्रियों को न बर्खास्त किया जा रहा है और न अत्याचारियों को फांसी दिया जा रहा है, और आज हम छत्तीसगढ़ की महिलाएं मांग करना चाहते हैं कि वो मणिपुर में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करे, और वहाँ की आदिवासी महिलाएं राष्ट्रपति शासन लागू करे तो मांग पूरी हो जाएगी, और वहाँ की जो आदिवासी थोड़ी हुई आदिवासी महिलाओं के साथ में जो अन्याय अत्याचार हुआ है, जो उनके हक अधिकारों के लिए वहाँ पर जो जाति हिंसा फैला जाए वो जाति हिंसा को बंद करे, शांति बहाल करे, और उनको संविधान के माध्यम से बराबर का अधिकार दे, नारियों की सम्मान हो रक्षा हो, यही हम केंद्र सरकार से बोलना चाहते हैं, यही। थैंक यू। आप बताइए क्या नाम है आपका? भाई जी मेरा नाम निकिता अमले, मैं महिला विंग महासचिव हूँ। जैसा खोबरागढ़ जी आपने जनता को ये प्रश्न किया कि ये घटना 3 महीनों से हो रही है तो किसने कदम क्यों उठाया, तो मेरा ये कहना है कि देर है दुरुस्त है, महिला विंग ने एक कदम उठाया, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति से यही निवेदन हमारा कि वो मौन क्यों है, महिला विंग और जनता पुरुष वर्ग सभी ने एक कदम उठाया तो ये राष्ट्रपति महामहिम का ये मौन किस लिए? मणिपुर में ये घटना हत्याकांड हमारा पूरा झकझोर कर दिया, जो दृश्य हमने देखा तो हमने एक कदम उठाया है, महिला और पुरुष वर्ग सभी ने आज जनाक्रोश रैली और महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन सौंपी, ये दर्शाना चाहेंगे अपील करना चाहेंगे कि मणिपुर में हो रहे अत्याचार को तुरंत एक्शन लेके रोका जाए, वहां पर शासन लागू किया जाए, और ये घटना को ताकि दूसरा मणिपुर अन्य देश प्रदेश में कहीं उत्पन्न ना हो। चलिए तो इनकी आक्रोश देख सकते हैं कि देश में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि मणिपुर की आग हम पहले कह चुके हैं कि देश में उस समय तक विचारों से फैल गई जब ये मीडिया तक आई बातें।
ठीक है कि उस जगह महिलाओं ने मीडिया को भी कोसा और हमको भी कोस लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे जैसे कुछ लोगों ने देरी कर दी हुई। लेकिन उसकी वजह भी ये रही कि मणिपुर में जब घटना हुई थी तब वहाँ का इंटरनेट बंद था, ऐसा जो खबरों से छन के आ रहा था। बहरहाल अब ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी बच्ची या महिलाओं के साथ ऐसे हरकत ना करे, इसलिए ये लोग मांग कर रहे हैं और अब ये मांग कलेक्टर के नाम से राष्ट्रपति के नाम से दिया जाएगा।